सत श्री अकाल सारिआं नूं, तुहाडा सारिआं दा साडे फर्म सिलाई सिखलाई चैनल ते स्वागत है। अज असी तुहानूं इस वीडियो विच कलियां वाली फ्रॉक की कटाई अते सिलाई बारे दसांगे। तुसीं वीडियो नूं शुरू तो लैके एंड तक जरूर देखियो। वीडियो नूं लाइक शेयर ते कमेंट करके दस्सो वीडियो किवें दी लगी। चैनल नूं सबसक्राइब जरूर कर लियो, बैल आइकन नूं दबा लियो तां जो साडी हर आउण वाली वीडियो दा नोटिफिकेशन तुहाडे तक पहुँचदा रहे। ये अपने कोल नाप आ, इस नाप के मुताबिक आप फ्रॉक की कटिंग करांगे। ये अपने कोल 5 मीटर कपड़ा से, इहदे विचों आप सलवार की जिहड़ी कटिंग करके सलवार जिहड़ी आप तैयार कर ली आ। बाकी अपने कोल पीस है कपड़े का, इहदे विचों आप सब तो पहला बॉडी की कटिंग करांगे। सब तो पहला कपड़े नूं आप इस तरह फोल्ड कर लाँगे पुट्ठा। नाप अपने कोल पतला है, इस करके आप इस तरह ही इहदे विच्चों बॉडी दे जिहड़े निशान लगावांगे। सब तो पहला कपड़े नूं इस तरह डबल फोल्ड कर लिया, उस तो बाद कपड़े नूं एक होर तह जिहड़ी लगा लांगे। अपने कोल 4 फोल्ड हो जाणगे। फालतू कपड़े दे उपरों पहला कटिंग कर दांगे। फालतू कपड़े की कटिंग जिहड़ी आप कर ली है, उस तो बाद फ्रॉक की बॉडी की लंबाई जी आप 17 इंच जी लगा लवेंगे। ये अपने को निशान जो 17 इंच के उपर आ, 17 इंच के उपर आप निशान लगा देंगे। 16 इंच अपनी बॉडी तैयार होएगी। 1 इंच अपने को मार्जिन दोनों पासे सिलाइया के आएगा, 1 इंच सिलाइया वास्ती। 17 इंच उपर आप कटिंग करा, इस तरह 17 इंच के उपर एक निशान जरा लगा लेंगे। इस तरह 17 इंच का पीस जो आप कटिंग कर लाँगे। बॉडी के पीस की कटिंग जी आप कर ली है। ये आप पिछली वीडियो के जिस तरह बॉडी की कटिंग की फ्रॉक की, उस तरह ही आप बॉडी की जी फ्रॉक की कटिंग करा, जिस तरह ये अपनी पिछली वीडियो के उही नाप है अपने कोल। सब तो पहला तीरा लगावे, 6 इंच आप तीरा लगावे, 7 इंच का मोढ़ा लवेंगे, निशाना मिला देंगे आपस में। उस तो बाद छाती का निशान लगावे, 18.5 इंच जी छाती होगी, 9.25 इंच उपर अपना निशान लगेगा। उस तो बाद 6.5 के उपर आप कमर का निशान लगावे, 16.5 इंच जी अपनी कमर आ, 1 इंच जरा प्लेटा वास्ती, इहदा भी निशान जिहड़ा आपां 9.25 दे उपर लगावांगे, निशान जिहड़े इसका मिला देंगे। सवा नौ दे उपर ही आपां इत्थों निशान जिहड़ा इक लगावांगे। निशान जिहड़े अपने लग गए ने, गलाइयां दे देंगे। एक गलाई जिहड़ी अपनी बाहर ली हैगी बैक पल्ले की, एक गलाई जिहड़ी आपां फ्रंट पल्ले की। ये अपनी दोनों गलाइयां जिहड़ियां पै गईआं ने। उस तो बाद प्लेटा का निशान लगावे, प्लेटा का निशान जिहड़ा इत्थों गैप जिहड़ा अपना 3.25 का देवे, 5 इंच लंबा प्लेट होएगा, 5 इंच लंबा प्लेट हो गया। 7.5 वाले प्लेटा का निशान लगावे वास्ते उपरों 9.5 के उपर निशान लगावे। इस निशान को अपने आप इस तरह तिरछा लिया देंगे, जिथों अपनी जिहड़ी गुलाई पैंदी आ, इस कोने दे नाल आपां जिहड़ा एक प्लेट का निशान मिलाता, दूसरे प्लेट का निशान जिहड़ा आपां इत्थों लगावांगे 6 इंच दे उपर। ये अपनी इत्थों गैपिंग 2 इंच दी, 2 इंच का गैप दे के दोनों साइडां दे उपर अपनी बराबर दी गैपिंग आनी चाहीदी है। इस निशान दे नाल आपां इधरली साइड के उपर निशान लगा देंगे, अपनी साइड वाली प्लेट जी बन जाएगी। ये अपने प्लेटा के निशान कुछ इस तरह आ जाएंगे। बॉडी के निशान, बॉडी की कटिंग जी आप सेम ही करा, जिस तरह आप पहला चाकों वाली फ्राक जी बनाई ही, अपने को भी उ नाप आप सेम जी कटाई जी उस तरह ही करा। ये अपने को निशान लग गए, इन्होंने निशाना उपर कटिंग कर देंगे। इस साइड के उपर सिर्फ आप सांझे पीस की कटिंग करा, एक निशान जरा सेंटर दे विच लगा देंगे।
यही निशान जिहड़ा अपने अपनी दूसरी साइड नूं पलट लवांगे, अपने इस साइड भी निशान जिहड़े छप जाणगे। निशान जिहड़े हल्के हल्के अपनी दूसरी साइड भी छप गए ने, निशानां नूं आपां डार्क कर लवांगे। निशान जिहड़े अपने निशानियां जिहड़ियां सेम लगियां ने, ये उपर अपना बैक पला रखा, ये भी अपने जो प्लेट जो छप जाएंगे, अपने बैक पले के उपर भी जो प्लेटा के निशान जो हल्के हल्के छप गए ने, निशाना डार्क कर लाँगे। बैक पले के उपर प्लेटा के निशान जोड़े लग गए ने, बैक पले के गले की कटिंग करा। बैक पले वास्ते आप जी चौड़ाई जी पौने 3 इंच रखा, 7.5 इंच जड़ा अपना गला जड़ा डूंगाई च होएगा, 7.5 के उपर निशान लगा देंगे। फिर एक बॉक्स बना लेंगे, फिर यदि गलाई दे देंगे, ये गलाई की कटिंग कर देंगे। ये अपने कोल बैक पले के गले की कटिंग जी हो चुकी है, ये अपने फ्रंट पले के प्लेटा के निशान जोड़े लग गए ने। हुण आपां इस दीआं कलियां कटिंग करांगे, उस तो बाद कपड़े नूं आपां अपने बारवाल नूं जिहड़ा इस तरह जिहड़ा फोल्ड करांगे। सब तो पहलां लंबाई जिहड़ी आपां लंबाई नापांगे, लंबाई जिहड़ी आ फ्रोक दी आपां 44 इंच जिहड़ी तैयार करांगे। उपरों आपां बॉडी जिहड़ी आपां 17 इंच की कटिंग की है, 1 इंच आपां वध लिया सिलाइयां वास्ते, 16 इंच की अपनी बॉडी जिहड़ी है तैयार रह जाएगी। इंची टेप नूं सब तो पहले आपां 16 इंच जिहड़ा उपर लै जाएंगे, उस तो बाद विच इहदी लंबाई नापांगे। ये अपने कोल 16 इंच जिहड़ा आपां इंची टेप जिहड़ा आपां इस तरह उपरों, उस तो बाद विच जिहड़े इत्थे निशान लगावांगे। ये अपने कोल 44 इंच जिहड़ा इहदा नाप आ जाएगा, 16 इंच आपां उपरों इंची टेप जिहड़ा छड्ड के नाप जिहड़ा आपां 48 इंच जिहड़ा लवांगे। 44 इंच अपने बॉडी जिहड़ी अपने नूं फ्रॉक जिहड़ी 44 इंच जिहड़ी तैयार चाहीदी है, 4 इंच अपने कोल मार्जन आ जाएगा, क्योंकि आपां इहदे विच कलियां पावांगे, कलियां दे नाल आपां जिहड़ी कटाई जिहड़ी शेप दे विच जिहड़ा थोड़ा बहुत कपड़ा जिहड़ा वध घट जिहड़ा कट्टिया जांदा, इस करके आपां 4 इंच दा जिहड़ा मार्जन लिया। 16 इंच अपनी जिहड़ी आ बॉडी दे उपर छड्ड के बाकी जिहड़ा 48 इंच दे उपर निशान लगा लिया। हुण आपां इंची टेप नूं इत्थों नापांगे कि अपने कोल कपड़ा आपां नूं पीस किन्ना चाहीदा। कलियां जिहड़ियां अपनियां 32 इंच के उपर कटिंग होणगियां, सब तो पहले आपां 32 इंच जिहड़ा नाप के पीस जिहड़ा एक ला लांगे, इस तरह 32 इंच जिहड़ी लंबाई नाप के सीधा सीधा पीस जिहड़ा कटिंग कर लांगे। लंबाई जिहड़ी कपड़े की आपां 32 इंच जिहड़ी है कपड़ा फोल्ड कर लिया, इस तरह आपां कपड़े नूं नाप लांगे, अपनी लंबाई जिहड़ी 32 इंच जिहड़ी पूरी आ रही है। ये अपने कोल 32 इंच जिहड़ी है पीस जिहड़ा फोल्ड किया पूरा आ रहा, इस पीस नूं पहला सब तो पहला कर देंगे कटिंग। ये अपने कोल 32 इंच के पीस की जिहड़ी कटाई जिहड़ी हो चुकी है, हुण आपां इत्थे करांगे कलियां की कटाई। सब तो पहला कपड़े नूं इस तरह बराबर कर लेंगे, पूरा एकदम इदा सैट कर लवेंगे, अपना कपड़ा जिहड़ा वध घट जिहड़ा बिल्कुल ये जिहड़ा बराबर पीस आ जाए, अपने पीस जिहड़ा अपना बराबर हो गया। बॉडिंग की कटिंग जिहड़ी आपां कीती है फ्रोक की, इहदे विच आपां सीधे निशान लगाते, इस करके कि आपां अपनी पहली वीडियो दे विच सारा कुछ ये समझाया बॉडी की कटिंग के बारे, हुण इस करके आपां जल्दी कटिंग जिहड़ी इहदी कर दित्ती, वीडियो ज़्यादा ना लंबी होए। हुण आपां कलियां की कटिंग करांगे, ये कलियां की कटिंग जिहड़ी अपनी कमर के मुताबक होएगी, कमर जिहड़ी अपने कोल 16.5-17 इंच तैयार चाहिए, आपां नूं उस दे मुताबक आपां जिहड़ी ये कलियां जिहड़ियां कढ़ांगे ते आपां नूं कलियां जिहड़ियां किन्नियां चाहीदियां ने। अपने कोल जिहड़ियां ये 12 कलियां निकलणगियां, 6 कलियां अपनियां अगले पल्ले दियां होणगियां, 6 कलियां जिहड़ियां अपने बैक पल्ले दियां होणगियां, टोटल आपां इहदे विच्चों 12 कलियां कढ़ांगे। इस पीस 12 कलियां कढ़न वास्ते सब तो पहलां आपां ये किनारी की जिहड़ी कटिंग कर देंगे, किनारे की कटिंग जी एक साइड के उपरों आप कर दिती है। सब तो पहला ये आप जी कली जी तैयार करनी है, आप अपने कमर के मुताबिक करनी है। ये अपने कोल 17 इंच जी कमर जी आप
16 या 17 इंच जी अपनी तैयार आ जाएगी। वो वास्ते आप जी कली है जी तुम कली कट्टना वा वह कली दोनों साइडों का मार्जिन जरा लैके जोड़ा अपना अद्धा इंच सिलाई के इधर आएगा अद्धा इंच इधर आएगा उस सिलाइया का मार्जिन लैके फिर आप कली कटिंग करा। ये अपने को जी कली जी 12 कलियाँ जी अपन 3-3 इंच की जी कली अपनी एक तैयार होएगी। कटिंग वास्ते आप कपड़ा जोड़ा 4 इंच के उपर निशान लगावे। कटिंग अपनी जी कली की जी 4 इंच उपर करा तैयार अपनी जी 3 इंच हो जाएगी। अद्धा अद्धा इंच जरा सिलाइया वास्ते आप हरेक कली के जरा आप लवेंगे। ये अपन कलिया जड़िया एक साइड दिया जड़िया आ जाएगियाँ 3 इंच तैयार रहेगी। 3, 6, 9, 12, 15, 18 इंच 6 कलियाँ जड़िया टोटल अपनी जी 18 इंच जड़िया आ जाएगियाँ। दोनों साइडों के उपर जी सिलाई वास्ती अपना कपड़ा जोड़ा बिचों निकल जाएगा तो अपनी जी फिटिंग जी बहुत वधिया हो जाएगी। उपरों कली का निशान जोड़ा अपना 4 इंच के उपर लगावे तो जी हेठा अपने घेरे वास्ती जी कली आएगी जिदा अपना घेरा जोड़ा बनेगा वह आप जरा 9 इंच के उपर लगावे। ये अपना जोड़ा निशान जोड़ा अपने कपड़े के मुताबिक लगावे जिन्ना अपने को कपड़ा वो मुताबिक जोड़ा अपना निशान जोड़ा उपरों 4 इंच जोड़ा आएगा कमर के मुताबिक ये अपने घेरे के मुताबिक जोड़ा 9 इंच का निशान जोड़ा आप एक साइड तो 9 इंच लगेगा एक साइड तो 4 इंच लगेगा। सब तो पहला एक निशान जोड़ा इधरों आप 4 इंच के उपर लगावे निशान जोड़ा आप 4 इंच के उपर लगा लिया। इस साइड तो आप निशान जोड़ा 9 इंच के उपर लगावे ये अपना निशान जोड़ा 9 इंच के उपर एक निशान जोड़ा 9 इंच का एक निशान जोड़ा आप 4 इंच का लगाया। दोनों साइडों के उपर निशान जोड़े अपने लग गए ने। हुण इन्हां निशानों नूं आपां आपस में मिला देंगे इस तरह पहला छोटे छोटे जोड़े निशान लगा लेंगे। इन्हां निशानों नूं इस तरह ही डार्क कर देंगे। निशान जोड़े अपने लग गए ने एक कली दे। इस तरह ही निशान जोड़ा आप हुण इस तों अगे लगावांगे। हुण आप अपनी इधरली साइड के उपर 9 इंच का निशान लगावे जिस तरह 4 इंच का इधर निशान लगाया हुण 4 इंच का निशान जोड़ा आप इस साइड लगा देंगे। इन्हां निशानों नूं इस तरह मिला देंगे। ये अपने कोल दूसरा निशान भी जोड़ा लग गया। इस तरह ही अपना पूरे कपड़े के उपर निशान जोड़े लगाते जावे। एक कली अपनी इस साइड तो निकल जाएगी एक कली अपनी इस साइड तो निकलेगी फिर अपनी कली 4 इंच इस साइड आएगी 9 इंच अपनी इस साइड आएगी। इस तरह सारे निशान जोड़े लगा लेंगे। भावें निशान लगा लो चाहे जिस तरह एक कली की कटिंग करके आप इन कलियों के उपर दूसरा अपना कपड़ा रख के इस तरह सारिया कलिया की कटिंग कर लेंगे। एक कली की कटिंग करके दस दे तुहानू अपनी कली की जिहड़ी कटिंग होगी है। इस तरह एक इसे कली नूं आपां इहदे उपर रखांगे तो अपनी इस तरह दूसरी कली भी जी कटी जाएगी। इस तरह जी उपर रख के आप कलियाँ जड़ियाँ अपनी कट लेंगे। असी एक कली तुहानू कट के दिखाई है। सब तो पहला आप निशान लगाने आप जरूरी भी अपना कपड़ा जोड़ा पूरा आंदा उस तो बाद कलिया की कटिंग करांगे। एक कली जी आप कट के दिखाती इस तरह निशान लगेगा इस तरह ही कली कटिंग होएगी। इस तरह ही हुण आप अगे अपनी कलिया के निशान जोड़े बाकी कलिया के लगा लेंगे। अपना निशान हुण इधरों 9 इंच के उपर आएगा दूसरी साइड तो उपरों 4 इंच के उपर इस तरह निशान जोड़ा मिला देंगे। इस तो अगे निशान जोड़ा फिर लगावे निशान जोड़े अपने लग गए ने सारिया कलिया के उपर। ये अपनी दो दो कलियाँ कटिंग हो गई अपन 2, 4, 6, 8, 10 2 कलियाँ अपन जी कटिंग कर लिया 12 कलियाँ अपन जी इस तरह निकल जाएगियाँ। अपने जोड़े निशान लगे ने इन्होंने निशानों के उपर आप कटिंग कर देंगे। आप किधरों किनारे की कटिंग करेंगे अपनी कली जी ये भी पूरी निकल आएगी फालतू कपड़े की कटिंग कर देंगे।
कलियां दी कटिंग जेड़ी अपनी हो गई है, ये अपने को दो पीस ने कलियां दे, दो दो पीस अपने को ले, चार कलियां, छे अठ दस ते दो अपने को 12 पीस कलियां दे जेड़े बहुत वधिया कट्टे गए ने। ये अपनी बंद साइड है, इधरों कली दी आपां उपरों कपड़े नूं कटदे जावांगे, जिस साइड तो बंद होएगा अपने दो दो पीस अलग अलग होंदे जाणगे। ये अपने सारे पीसां नूं इस तरह जिस साइड तो बंद होएगा आपां कटिंग कर लांगे। सारियां कलियां जिहड़ियां अपनियां अलग अलग हो गईयां ने। ये अपने कलियां दी कटिंग होगी, ये फ्रॉक दी जिहड़ी बॉडी है उहदी कटिंग होगी, बाकी अपने कोल पीस है इहदे विच आपां बाजू की कटिंग करांगे। बाजू जिहड़ी आपां नूं 18 इंच तैयार करनी है, 3 इंच एक्सट्रा लवांगे, 21 इंच दे उपर आपां कपड़े की कटिंग करांगे। अपने कोल 21 इंच है, 21 इंच दे उपर आपां पहलां कटिंग दी कपड़े की कटिंग कर दांगे, उस तो बाद विच बाजू दे जिहड़े निशान लगावांगे। 3 इंच दे उपर आपां इस साइड तो निशान लगावांगे, 8.5 इंच अपना मोढ़ा होएगा, 8.5 इंच के उपर आपां जिहड़ी काट जिहड़ी अपनी पाउणी शुरू करांगे। मूहरी इहदी जिहड़ी 4.5 इंच होएगी, अगों 6 इंच 1.5 इंच जिहड़ा आपां मार्जन आएगा अंदरली साइड ते। इह जिहड़ा अपना निशान है फिटिंग दा, फिटिंग दे सिलाई दे नाल जिहड़ी निशान आ, निशान जिहड़े फिटिंग दे आपस विच जिहड़े मिला दांगे। ये अपने को निशान जिहड़ा कटाई दा आ जाएगा, इस निशान के उपर आपां कटाई कर देंगे। अगले दो पल्ले लवेंगे, फ्रंट की काट पा देंगे, 1.5 इंच की जिहड़ी फ्रंट की काट पावांगे। ये अपने को फ्रंट की जिहड़ी काट जिहड़ी पै गई है, 1/2 इंच के उपर निशान लगावेंगे जिहड़ा सिलाई दे विच आएगा, 18 इंच के उपर आपां अपनी लंबाई का निशान लगावेंगे। ये 18 इंच आ गई, इतों कपड़े फोल्ड करके आपां इहदे कट लगा देंगे, जिथों अपने कपड़े की जिहड़ी फोल्डिंग हो जाएगी। बाजू की कटिंग जिहड़ी अपनी बहुत वधिया हो गई है। हुण आपां चलांगे मशीन के उपर, मशीन के उपर आपां करांगे फ्रॉक की सिलाई।